बच्ची अपनी आंखें बंद कर लो, बच्चे आंख बंद कर। चलो भाई चलो चलो चलो, सब अपने आंखें बंद कर लो। दीदी अभी हम लोगों को कुछ गिफ्ट देने वाली है, तो पहले ही सब अपने आंखें बंद कर लो। मैं दीदी मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ दीदी, मैंने अपने आंखें बंद कर लिया, अपना गिफ्ट बाहर निकालो। अरे दीदी, अगर ये सब दिखाना होता तो पहले हम लोगों को क्यों नहीं बोला यार, कि वीडियो के चक्कर में मेरे यार मार पड़ गया मुझे, बोलो तो। ऐसे क्यों किया दीदी, बोलो तो ऐसे क्यों? अगर पहले ही बोल दिया होता तो मैंने अपना आंखें बंद ना करके दरवाज़ा बंद कर लिया होता। इधर से पापा आ गया अभी, आपके वीडियो के चक्कर में उन्होंने देख लिया और जूते से मारा मुझे अभी। हाँ क्यों किया यार ऐसे तुमने, ऐसे क्यों किया तुमने? तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए और एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो किस टॉपिक के होगा, होंगे इंट्रो और थंबनेल, ये सब देख के समझ गए होंगे। तो आज की जो वीडियो की जो टॉपिक है, वो टॉपिक एक लड़की है, तो वो लड़की और कोई नहीं, मतलब हम लोगों की सोफिया दीदी थी ना, उनकी घर वालों का ही, मतलब उनकी रिश्तेदार में ही कोई होगी, इसीलिए दीदी की हरकत ऐसी है। तो वीडियो देखने से पहले एक वार्निंग है मेरे तरफ से, मानो या ना मानो ये तुम लोगों की बात है, लेकिन मैं तो वार्निंग देता हूँ, क्योंकि वीडियो देखने से पहले पहले हेडफोन लगा लेना, और अकेले देख रहे हो तो दरवाज़ा लगा के देखना, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है, तो बाद में मार भी पड़ सकता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये बहती हवा की खुशबू मुझे उस दिन की याद दिला। देख ले वीडियो, अभी और एक वीडियो देख लो, ये भी देख लिया, अभी और एक वीडियो देख लो। क्या लग रहा है कि आज की वीडियो इसके ऊपर क्यों हो रहा है यार? मैं भी धोखा खा गया था पहले ये दो तीन वीडियो देख के, मुझे मतलब मेरे दिमाग में पूरा शौक लग गया था। मैं मतलब क्या बोलो, मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये लड़की ऐसी वीडियो बनाती है, वो इतनी सुंदर लग रही थी और वैसी वाली वीडियो बनाएगी, तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें। मैं इनकी ना तीन चार वीडियो देख के ना मैं पूरा हिल गया था कि यार इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सुंदर लड़की है। बाद में जब दीदी की हरकत पता चली मुझे, तो सुंदर तो छोड़ो। तो चलिए दीदी की असलियत अभी आप लोगों के सामने लेके आते हैं, चले देखते हैं वीडियो, पूरा देखो वीडियो कैसा लगता है। अरे दीदी की हेयर बहुत लंबा हो गया गाइस, प्लीज दीदी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, मुझे देखकर मुझसे देखा नहीं जा रहा दीदी के प्रॉब्लम की वजह से, डांस नहीं कर पा रही है, प्लीज दीदी को हेल्प करो कोई गाइस। मैया ये कर बना था दीदी को, ये क्या बात हुई, मुझे लगा हेयर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है दीदी को, लेकिन दीदी का तो हेयर की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, दीदी को ट्रांजिशन कर रहा था। लेकिन जो भी बोलो, ट्रांजिशन था बहुत मस्त, मानना पड़ेगा। अभी समझ में आया दीदी स्कूल ड्रेस में वीडियो क्यों बनाती है। दीदी को लड़कों का सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो पता लग गया दीदी को, तो अभी दीदी क्या करेगी, स्कूल ड्रेस में इसीलिए वीडियो बनाती है ताकि दीदी को पता है यार स्कूल में जितने भी लड़का पढ़ते हैं ना, सबको यार उसके सबको मतलब सबके दिल में एक दर्द होता है कि हम लोगों के क्लास में, हम लोगों के स्कूल में अच्छी वाली मतलब लड़कियाँ नहीं है, हॉट वाली समझ हो ना, वो वाली लड़की नहीं होता। हाँ मेरा भी प्रॉब्लम था, लेकिन क्या करो, हम लोगों का नसीब तो ऐसा नहीं है, लेकिन दीदी ने लड़कों के बारे में सोचा है, तो इसीलिए दीदी स्कूल वाली वीडियो में तेरे को हरा भी समझता था, स्कूल वाली ड्रेस में वीडियो बनाते हैं ताकि लड़कों का दुख दर्द पीड़ा सब कुछ कम हो जाए और साथ में स्कूल की प्रमोशन भी हो जाए। दीदी की बहुत दिमाग है दीदी के पास, दीदी को ऐसे वैसे मत समझना। इसीलिए गाइस दीदी ने हम लड़कों के बारे में सोच के ऐसे वीडियो बनाने की सोचा है, और बेकार में लोग दीदी को ये सब गाली वाली दे रहा है, दीदी के बारे में इतना बुरा वाला बोल रहा है। दीदी खराब नहीं है यार, बहुत अच्छी है दीदी यार, तुम लोग समझते नहीं हो। मेरा डर तो उनसे पूछो जिनकी निब्बिया उनसे कहती है प्लीज बेब इसको ब्लॉक कर दो। अरे दीदी वो डर नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो, वो लड़का हवस है, हवस समझ रहे हो ना, जो सिर्फ तुमसे मिटाना चाहती है, इसलिए वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। और जिन लड़कियों को तुम निब्बी बोल रहे हो ना, उन लड़कियों को उन लड़कों के बारे में पता है कि वो लड़का आपको देख रहा है या आपके और कुछ देख रहा है, और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो
उन सब लड़की तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी कि तुम्हारी नंबर ब्लॉक कर दो, क्योंकि हर लड़का के दिमाग में यही बात चल रहा है कि स्कूल में पढ़ती हुई लड़की की ऑरेंज इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई है। नहीं दीदी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता है, क्योंकि इंडिया में ठरकी लोगों का कमी थोड़ी ना है, और आपके प्रोफाइल में फॉलोअर्स में जितना भी लोग हैं वो सब एक नंबर के ठरकी है सबके सब। बस तुम्हें देखने नहीं आते ना, तुम्हारी वीडियो को देखने, तुम्हारे ऑरेंज को देखने आते हैं वो लोग। तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऑरेंज छोटी थोड़ी ना है, तुम्हारी ऑरेंज तो पूरी है, तो तुम्हें डरने की बात ही क्या है। मत डरो। और जिस दिन आप पूरा शरीर ढक के पूरा शरीर में अच्छा वाला कपड़ा पहन के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन वो लोग तुम्हें छोड़ के जाएंगे, ना तुम्हारी वीडियो देखेंगे और ना लाइक्स। तो जितने दिन खोल के बनाओगे वो लोग भी खोल के सपोर्ट करेंगे, और जिस दिन बंद करके बनाओगे उस दिन वो बंद करके चले जाएंगे। अरे दीदी तुम समझते नहीं हो, पहले ऑरेंज छोटा था, अभी ऑरेंज बड़ा हो चुका है। और दिल नहीं पुकार रहा था, कुछ और ही पुकार रहा था उन लोगों को। नहीं भाई, दीदी के प्रोफाइल में जाओगे ना तो देख के आपको ऐसा लगा कि आप कुछ पोर्न हब में आ गए हो। हाँ, गूगल में ना जाके इंस्टा से पोर्न हब चला सकते हो आप लोग, बस दीदी के अकाउंट में चले जाना। और बस यही नहीं, जो वीडियो एक बार चल जाता है दीदी का, उसमें से एक ही सॉन्ग में चार पांच वीडियो अलग अलग, अपनी आंखें बंद कर लो बच्चे, वो वाला ना पहन के ना ही बना लेंगे तो होता नहीं, वो अलग अलग ट्रांजिशन करके ऑरेंज रेड पिंक अलग अलग कुछ बना नहीं पहन के, जब चार पांच वीडियो नहीं हो जाता तब तक वीडियो रोकती नहीं, ये एक ही साउंड में चार पांच वीडियो बनाना पड़ता है दीदी को। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा नहीं देखा जा रहा मुझसे कि वीडियो अच्छा लगा तो पूरा वीडियो को जिन लोगों ने देखा एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही।